हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर के आ गई हूँ आपके समक्ष। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। अब आपके पास टाइम थोड़ा भी नहीं है, चाहे EMRS हो चाहे BPSC हो, BPSC के लिए तो थोड़ा भी नहीं है। एंड दोस्तों, इससे पहले मैं आल चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई लेवल का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। एंड ये इजी टू मॉडरेट दोनों प्रकार के क्वेश्चन है जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ। इस समय 14 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से 4 प्रैक्टिस सेट है आज का, और सभी प्रैक्टिस सेट मैं एग्जाम्स के पहले अपलोड कर दूंगी। एंड दोस्तों, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं रहता है, फिर भी मैं टाइम निकाल के रखी आप लोगों के लिए यह वीडियो बना रही हूँ। तो दोस्तों, चाहे ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी वीडियोज हैं मेरे चैनल पे। और समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। ज़्यादा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बहुत सारा एक्सप्लेन करती हूँ थ्योरी सेशन IMCQ। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर खाली देने की प्रैक्टिस करूँगी। तो आप सभी शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए और देखिए कि कितना आप हल कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? तो आप सबको पता है, चैल भारत में, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है यह। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्णम मलेश्वरी वेट लिफ्टर किस राज्य की हैं? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये आंध्र प्रदेश की है। एंड 2000 सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला वेट लिफ्टर बनी है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की थी, किस देश के हैं? तो दोस्तों, ये अमेरिका के हैं, और ये 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे हाई जंप में। क्वेश्चन नंबर 5 है, रुण गुल्लिक शब्द किस खेल से संबंध रखता है? तो यह रुण गुल्लिक शब्द जो है वह फुटबॉल खेल से संबंधित है। रुण गुल्लिक नीदरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, विश्व के 100 महान फुटबॉल खिलाड़ियों में इनकी गिनती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्किट ट्रेनिंग की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों, 1957 में एडमसन एंड मार्गन के द्वारा सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार किया गया था, जो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओलंपिक के झंडे पर 5 अलग अलग रंग के आपस में मिले हुए छल्ले दर्शाते हैं। तो ये 5 छल्ले नीला, पीला, काला, हरा, लाल 5 छल्ले होते हैं, दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, 400 मीटर बाधा दौड़ में अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी जो है 40 मीटर होती है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, वो कौन है? तो वो है प्लेटो। ठीक है, प्लेटो को आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है। ये यूनानी के दार्शनिक थे, जिन्हें ये सुकरात के शिष्य तथा अरस्तु के गुरु थे। इन्होंने रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेटमेंट्स आदि पुस्तकें लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई? तो दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत 1882 में हुआ था। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्र में फिटनेस ग्राम परीक्षण के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो फिटनेस ग्राम क्या है? यह परीक्षण 1982 में कूपर इंस्टीट्यूट टेक्सास USA द्वारा तैयार किया गया था। यह शारीरिक शिक्षा के विषय के शिक्षकों के लिए बच्चों के फिटनेस स्तर पर एक रिपोर्ट तैयार करने का एक आसान रास्ता है। तीसरा है फिटनेस ग्राम, इसमें हृदय वाहिका फिटनेस, मांसपेशीय क्षमता, शरीर की बनावट और लचीलेपन का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, ये सभी ऑप्शन राइट हैं, ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो बास्केटबॉल क्या हो जाएगा? इसकी ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई होती है 28×15, 1/3 हो जाएगा। एंड हैंडबॉल की होती है 40×20 मीटर,
बी का 1 हो जाएगा। खोखे की 29×16 पहले था लेकिन अब 27×16 हो गया है, देख लीजिएगा आप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे तेज तैरने की तकनीक कौन सी है? तो दोस्तों ए जो है तैराकी में तैरने की 4 टेक्निक है, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, लेकिन सबसे तेज दौड़ने की तकनीक है फ्री स्टाइल। सबसे तेज तकनीक कौन है? फ्री स्टाइल। उसके बाद बटरफ्लाई होता है और उसके बाद बैक स्ट्रोक, लास्ट में आपका ब्रेस्ट स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी विशेषता शारीरिक क्रिया करते समय सफल नेता का सर्वोत्कृष्ट तरीके से दर्शाती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सभी खिलाड़ी प्रतिभागियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना एक सफल नेता का गुण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों जिस बिंदु पर समस्त किसी वस्तु या व्यक्ति का समस्त भार काम करता है वही गुरुत्वाकर्षण बिंदु होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भार। क्वेश्चन नंबर 16 है, नायडू ट्रॉफी संबंधित है? तो दोस्तों नायडू से कंफ्यूज मत होइएगा, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से है और नायडू ट्रॉफी आपका शतरंज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस एपेटाइट्स बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है? तो दोस्तों किस हेपेटाइटिस यानी पीलिया बीमारी का वायरस सीधे संपर्क से फैलता है? तो वो है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस जो पीलिया है सीधे हमारे लीवर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, खेल सामग्री के चयन में सबसे अधिक ध्यान रखने वाला कारक क्या है? तो उसकी गुणवत्ता हम देखेंगे कोई भी खेल सामग्री खरीदते वक्त। क्वेश्चन नंबर 19 है, ज्यादातर मांसपेशियां जो कुल्हे के जोड़ को गति प्रदान करती हैं उनका उद्गम कहाँ होता है? तो उसका ओरिजिन यानी उद्गम जो होता है श्रोणि मेखला से होता है, श्रोणि से होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, खाने के अस्वास्थ्य का तरीके से नहीं होता। तो दोस्तों एनीमिया भी होता है, दंती छरर भी होता है, मोटापा भी होता है, लेकिन एड्स नहीं होता। एड्स केवल 3 माध्यमों से फैलता है, असुरक्षित जीवन संबंध एंड दूसरे के रक्त देते समय अगर वो एड्स से पीड़ित है तो दूसरे को हो जाएगा एंड माता के गर्भ में बच्चे में हो जाएगा जब माता को एड्स है तब। ये 3 के अलावा कोई चौथा कारण नहीं होता है। 21 क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन है? तो आप सबको पता है सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है कुल्हे की, सबसे लंबी मांसपेशी जांघ की सार्टोरियस है, सबसे छोटी मांसपेशी कान की स्टेपीडियस है, सबसे मजबूत मांसपेशी निचले जबड़े की मसेटर मसल्स है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रथम विश्व कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह है हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित किया गया था 1983 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकेडमी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है तो किसे? दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली से। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, पुगलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो बॉक्सर खिलाड़ी को, बॉक्सर को हम क्या कहते हैं? पुगलिस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिल नहीं चला पाता? क्योंकि जो उसके अंग होते हैं वो परिपक्व नहीं होते यानी परिपक्वता की कमी से। क्वेश्चन नंबर 28 है, टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों टी ऑफ शब्द गोल्फ से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? आप सबको पता है राइबोसोम, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है हाइड्रोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक पेशी संकुचित होती है लेकिन कोई संचलन यानी गति नहीं होता, इस स्थिति को किस रूप में जाना जाता है? तो यह है आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है, शीतकारी क्या है? तो दोस्तों शीतकारी एक प्राणायाम है। क्वेश्चन नंबर 34 है, आदर्श धावन पथ माना जाता है? तो आदर्श धावन पथ 400 मीटर ट्रैक को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? भार में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण की बारंबारता, निरंतरता, कंटिन्यूटी, ये खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत है लेकिन क्रिया में मितव्ययता खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्कृष्ट एथलीटों में कुछ सामान्य व्यक्तिगत गुण होते हैं, जैसे काम का तरीका कैसा होना चाहिए, कौशल, मानसिक सामर्थ्य, ये सभी अन्य से अलग करता है। ये सभी कुछ सामान्य गुण अन्य से अलग होते हैं जो उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ एथलीट होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉक्टर किनेथ कपूर किसके व्याख्याता है? तो दोस्तों ये 12 मीटर दौड़ और तथा पैदल चल यानी कि पदयात्रा के प्रशिक्षक के जन्मदाता हैं। यह ये अमेरिकन चिकित्सक थे जिन्होंने आर्मी के लोगों को फिटनेस जांच हेतु इस टेस्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1872 में। इस देश में एक व्यक्ति को 12 मिनट तक दौड़ने, जॉगिंग करने, पदयात्रा करने के लिए कहा जाता है और देखा जाता है कि वह अधिकतम कितनी दूरी तय कर सका, और यह सहनशीलता यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से प्राणायाम नहीं है? तो दोस्तों कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जायी, ये तीनों प्राणायाम है जबकि कुंजल प्राणायाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन सा प्राणायाम नहीं है? तो उज्जायी, सूर्यभेदन, शीतली, ये तीनों प्राणायाम है जबकि नौली क्या है, यह षटकर्म है। क्वेश्चन नंबर 40 है, नौली का संबंध किससे है? तो नौली का संबंध षटकर्म से है। षटकर्म में 6 क्रियाएं आती हैं, जैसे नेति, दोति, नौली, बस्ति, कपालभाति, त्राटक, ये 6 क्रियाएं आती हैं षटकर्म के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 41 है, योग करने वालों के लिए किस प्रकार का भोजन सबसे अच्छा होता है? तो सात्विक भोजन योग करने वालों के लिए, अदरवाइज ऑल पर्सन के लिए सात्विक भोजन बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, शारीरिक बनावट यानी कंपोजिशन एक महत्वपूर्ण अंश होता है? तो दोस्तों ये बॉडी कंपोजिशन जो होता है स्वास्थ्य संबंधित सक्षमता यानी कि हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस रिलेटेड होता है। इसमें मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से करता है? तो जो हमारा न्यूरॉन होता है जिससे मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है, तो न्यूरॉन जो होता है इसके 3 भाग होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन। तो सेल बॉडी को कोशिका शरीर कहते हैं। तो जो दूसरे न्यूरॉन से संदेश प्राप्त होता है उसको डेंड्राइट्स जो है ले करके सेल बॉडी की ओर भेजता है, और सेल बॉडी उसको एक्सॉन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन या कार्यकारी अंगों तक भेजता है। तो ये क्वेश्चन जैसे पूछा है, कोशिका शरीर से यानी सेल बॉडी से संदेश को किधर भेजने का काम करता है? प्रेषक करता होता है आपका एक्सॉन, और प्राप्त करता होता है डेंड्राइट्स। तो प्रेषक यानी भेज रहा है कोशिका शरीर से, तो यहाँ पे एक्सॉन राइट होगा, प्राप्त करता होता तो डेंड्राइट्स होता। क्वेश्चन नंबर 44 है, डीएनए का पूरा नाम है? तो डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। यह केंद्रक यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसका 80-90% भाग बनाता है। इसके द्वारा लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए वाटसन व क्रिक तथा क्रिक ने 1962 में इसका खोज किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न से रक्त में कौन संचारित होता है? तो दोस्तों एंजाइम, ऑक्सीजन, हार्मोन, ये सभी रक्त में के द्वारा समस्त शरीर में पहुंचाए जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है, या तोड़ने गलत मिसप्रिंट है, तो जोड़ने में सहायता करता है, तो वह है कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव अस्थि का प्रमुख तत्व है, तो कैल्शियम फास्फोरस होता है, तो उसमें भी सबसे प्रमुख होता है आपका कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 48 है, नाड़ी प्रणाली में यानी तंत्रिका तंत्र में अंगों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को श्वसन मिनट आयतन और मिनट आयतन दोनों कहते हैं, तो यहाँ पे ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है, तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है 42 जुड़े नाड़ियाँ होती हैं वह आता है, यानी कि 43 जुड़े नाड़ियाँ आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, 12 जुड़े नाड़ियाँ मस्तिष्क से निकलती है कार्निथल नाड़ी, और 31 जुड़ी नाड़ियां हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं स्पाइनल नाड़ी। क्वेश्चन नंबर 51 है, वह एमसी मेरीकॉम का संबंध है, तो आप सबको पता है एमसी मेरीकॉम जो है बॉक्सिंग की प्लेयर है, इनका पूरा नाम है मेंगते चंगनेई जेंग मेरीकॉम, एक भारतीय मुक्केबाज हैं, वे मूल रूप से मणिपुर की निवासी हैं। मेरीकॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुके हैं, इन्होंने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक खेलों में भी कांस्य पदक बॉक्सिंग में जीता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है, तो दोस्तों मसल स्पाजन में कमी यानी क्रैम्प की बात कर रहा है, तो किसी एक अंग में क्रैम्प आ जाना यानी स्थानीय की बात कर रहा है, साफ टिश्यू के लचीलेपन में वृद्धि ये भी स्थान की बात कर रहा है, सेल मेटाबॉलिज्म दर में कमी ये भी स्थान की बात कर रहा है, जबकि मसल टोन जो है संपूर्ण शरीर में फैल रहता है या किसी विशेष स्थान की बात नहीं है, यह स्थानीय प्रभाव नहीं है मसल टोन का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2 दिनों तक चलने वाली पुरुष डेकाथलॉन प्रतियोगिता में एथलीट्स की कौन सी स्पर्धा पहले दिन आयोजित की जाती है, तो यहाँ पे आपको जानना है कि जो आपका डेकाथलॉन है ये पुरुषों के लिए होता है और 2 दिन होता है, इसमें 10 इवेंट होते हैं, 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट, पहले दिन 5 इवेंट, दूसरे दिन 5 इवेंट होता है, पहले दिन 5 में 100 मीटर दौड़ लंबी कूद, 60 फुट ऊंची कूद, 400 मीटर दौड़ होता है, और दूसरे दिन में 110 मीटर बाधा दौड़, डिस्कस थ्रो, पोल वॉल्ट, जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर दौड़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन राइट होगा, पहले दिन कौन आयोजित किया जाता है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे 1500 मीटर दौड़ दूसरे दिन आयोजित होता है, दूसरे दिन की लास्ट प्रतियोगिता है, एंड पोल वॉल्ट भी दूसरे दिन की तीसरी प्रतियोगिता है, चक्का फेंक आपका दूसरे दिन की दूसरी प्रतियोगिता है, जबकि गोला फेंक आपका पहला दिन की तीसरी प्रतियोगिता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा गोला फेंक। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है, तो दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य में मस्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी आता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसपेशियों की ताकत। क्वेश्चन नंबर 55 है, समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा कारक मानव व्यक्तित्व के विकास में सबसे अधिक सहायक होता है, वो होता है आपका संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 56 है, शारीरिक शिक्षा के आधारभूतों को शक्ति प्रदान करते हैं, तो जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो इसको और शक्ति प्रदान करते हैं, विकसित करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण करके उनको किधर ले जाते हैं दोस्तों, तो ये न्यूरॉन जो है डेंड्राइट जो है प्राप्त करता है संदेशों को प्राप्त करके सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं, और सेल बॉडी से फिर न्यूरॉन जो संदेश होते हैं एक्सॉन के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन या अन्य कार्यकारी अंगों तक भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से जो अग्नाशय के बीटा कोशिका लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से स्थापित होता है।
क्वेश्चन नंबर 60 है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। यह रक्त के निर्माण में सहायक होता है और इसकी कमी से पर्निशियस एनीमिया रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? यह प्रजनन संबंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, राइट है। उबेर कप महिला बैडमिंटन से संबंधित है, भी राइट है। रंगा स्वामी कप पुरुष बैडमिंटन हॉकी से संबंधित है, भी राइट है। नेहरू ट्रॉफी आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, इसलिए यह राइट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स पाए जाते हैं? तो 5 मिलियन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, पूरे विश्व में सारे शिक्षा को माना जाता है, तो एक कला और विज्ञान दोनों माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, परिभाषिक शब्द दोहरी गलती यानी डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 67 है, नीचे दिए गए विकल्प में संक्रामक रोग कौन सा है? तो दोस्तों एड्स एंड डिप्थीरिया एंड टीबी, ये तो तीनों संक्रामक रोग है, लेकिन यहाँ पे कौन सा है? तो एक पार्टिकुलर चीज को हम नहीं छाड़ सकते हैं, यहाँ पे होना चाहिए कौन नहीं है, तो यहाँ पे तीनों है, हुकुम यहाँ पे नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है? तो यह 42.195 किलोमीटर या 26 मील 385 गज का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है कि सामान्यतः 2 से 3 गुणा सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना, जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ग्लाइकोजन लोडिंग कहा जाता है, या कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कहिए चाहे ग्लाइकोजन लोडिंग कहिए, दोनों का मतलब सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो पुरुष बैडमिंटन से है, जबकि उबेर कप का संबंध किससे है? तो महिला बैडमिंटन से है। क्वेश्चन नंबर 71 है, अमृत दीवान कप संबंधित है? तो दोस्तों अमृत दीवान कप किससे संबंधित है? यह बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 72 है, खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम बात है? तो यह है टखने की अग्रपार्श्विक अस्थिभंग चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम बात है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हमारे शरीर में वसा तथा टिश्यू के मेल को क्या कहते हैं? तो इसे बॉडी कंपोजिशन कहा जाता है, जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 74 है, लोहे से क्या निर्मित किया जाता है जिससे हम आहार से प्राप्त करते हैं? तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है लोहे से। क्वेश्चन नंबर 75 है, सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? तो आप सबको पता है 21% होता है, नाइट्रोजन 78% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है, लेकिन जब श्वसन में अंदर हम सांस लेते हैं तो ये इसी अमाउंट में जाते हैं, बट बाहर आते हैं नाइट्रोजन 78% जाता है, पूरा 78% वापस आ जाता है, ऑक्सीजन 21% जाता है, 16% वापस आ जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाता है, लेकिन वापस आता है 4.4%। क्वेश्चन नंबर 76 है, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष आयोजित किए जाते थे, वह उसका क्या नाम है? तो दोस्तों उत्तर एथेंस काल में राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे अखिल एवर या पान हेलिक समारोह कहा जाता था, जिसमें 4 गेम होता था, ओलंपिक, पीथियन, स्थिमियन, निमियन। जो ओलंपिक गेम होता था वह प्रत्येक 4 वर्षों पर जीएस देवता के यानी जीएस देवता को आकाश देवता कहा जाता है के श्रद्धांजलि देने के लिए होता था। जो पीथियन खेल है यह डेल्फी पर्वत के मैदान पर अपोलो देवता जिसे सूर्य देवता कहा जाता है की श्रद्धांजलि के लिए किया जाता था। और स्थिमियन खेल जो है वो समुद्र देवता पोसिडियन के सम्मान में कोरिंथ नामक स्थान पर होता था, और निमियन खेल जो है जीएस देवता के सम्मान से में आर्गेलिज नामक स्थान पर होता था। यहाँ पे क्या पूछा है? अपोलो देवता के समक्ष, तो अपोलो देवता के समक्ष होता था पीथियन खेल, ठीक है। जीएस देवता को आकाश देवता, अपोलो देवता को सूर्य देवता, समुद्र देवता को पोसिडियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 है,
शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो 4.2 कैलोरी होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.2 कैलोरी एंड 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 78 है, डबल एंसन कार्यनीति किस खेल से संबंधित है, तो यह कुश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79 है, उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल जीता है, तो सबसे अधिक विश्व फुटबॉल कप जीता है, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है, तो दोस्तों स्वास्थ्य जो है जैविक क्रियाओं पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो दोस्तों कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है बाल भागवत को प्रदान किया गया था। तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार कुश्ती में बाल भागवत को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो वह है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक जो होता है, जिसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जिसमें डीएनए और आरएनए होता है, जो डीएनए से जीन का निर्माण होता है, एंड इसमें क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्र जिससे जीन स्थित होता है, जो अनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना है, तो वह जानकारी से अनभिज्ञता की ओर प्रारंभ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार का बैंडेज का उपयोग किया जाना चाहिए, तो रोलर बैंडेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, सीटअप का उद्देश्य है, तो दोस्तों हमारे जो पेट की मांसपेशी है उसमें शक्ति असहनशीलता उत्पन्न करना होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सीटअप जो है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, ए भी राइट, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, स्वास्थ्यता का अर्थ है, तो दोस्तों स्वास्थ्यता का यानी फिटनेस का अर्थ होता है आंतरिक शक्तियों की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 87 है, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है तो 4 कैलोरी के, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी के, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शारीरिक प्रशिक्षण के बाद कूल डाउन जरूरी होता है, तो दोस्तों यह कूल डाउन इसलिए जरूरी होता है, जो हम थक गए हैं, लैक्टिक अम्ल जम गया है, उसको लैक्टिक अम्ल को का स्तर घटाता है और थकान को दूर करता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, ओलंपिक ध्वज में आपस में जुड़े 5 छल्ले 5 महाद्वीपों के 5 अलग अलग रंगों में प्रस्तुत करते हैं, जो हैं तो वो नीला, पीला, काला, हरा, लाल, 5 रंगों के होते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, जिसमें से नीला यूरोप का महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, नीला अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, फुटबॉल यानी सॉकर के खेल में पेनाल्टी किक लेने का स्थान गोल रेखा से कितनी गज की दूरी पर होता है, तो 12 गज की दूरी पर होता है पेनाल्टी स्पॉट, ठीक है, एंड इसके अंतर्गत पेनाल्टी किक, फ्री किक, गोल किक, कॉर्नर किक आदि शब्दावली फुटबॉल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब की गई, तो 1920 में मद्रास चेन्नई में किया गया था SC बक के द्वारा। दोस्तों शारीरिक जो यह है YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय है, और एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान कौन है, तो पटियाला NSNIS नेताजी सुभाष राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटियाला। क्वेश्चन नंबर 92 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का व्यायाम आवश्यक है, तो दोस्तों नियमित व्यायाम आवश्यक है, क्या है, नियमित व्यायाम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 93 है, YMCA शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का सर्वप्रथम आचार्य कौन था, तो वो थे आपके SC बक, इन्होंने ही 1920 में चेन्नई मद्रास में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किया था, इनको भारत में शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर ने किस प्रकार के नवीन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की थी, तो 3 वर्षीय शारीरिक शिक्षा स्नातक पाठ्यक्रम का शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 95 है,
निम्न में से किस स्तर पर समग्र खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो वह विश्वविद्यालय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाता है। 1957-58 से इसको 60 में माका ट्रॉफी भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कुश्ती के लिए। इनको 1987 में यह पुरस्कार मिला है और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से शुरू हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 97 है, निम्न में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? तो ओ सारे शिक्षा टीचर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्न में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न किया जाता है? तो आप सबको पता है अंग्राशय के लंगे हैंस दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों यहाँ पे कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कुकुर खांसी ये सभी संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं, जबकि मधुमेह जो है यह इंसुलिन की कमी से आता है, यह संक्रामक रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग बाड़ी के लिए उत्तरदायी होता है? वह होता है लैरिंग्स यानी कि कंठ। क्वेश्चन नंबर 101 है, शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है? तो मानव जाति का समग्र विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, क्रिकेटर जिसे पाम ट्री हीटर के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपके पाली उमरीगर। क्वेश्चन नंबर 103 है, वर्टिबल कॉलम में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? आप सबको पता है 33 पाई जाती हैं, लेकिन यह बचपन में 33 होती हैं, वयस्क होने पर 26 हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं स्ट्रोक आयतन यानी स्ट्रोक वॉल्यूम, जो 70 एमएल होता है प्रति धड़कन। अगर प्रति मिनट हृदय द्वारा फेंके गए रक्त की मात्रा कहेगा तो कार्डियक आउटपुट होगा, तो एक धड़कन में बात करेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा जो 70 एमएल होता है, और कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो एक धड़कन में 70 एमएल स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और एक मिनट में कितना हार्ट रेट होता है? 72। 70-72 का आप गुणा करेंगे तो 5040 ml यानी कि 5.04 लीटर आपका कार्डियक आउटपुट होता है एक मिनट में। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 ml प्रति बीट हो तो हृदय संबंधी आउटपुट क्या होगा? तो दोनों का आप गुणा कर देंगे, आएगा 16 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है, निलय से आने वाले प्रति यूनिट रक्त की मात्रा को क्या कहते हैं? प्रति मिनट जो रक्त की मात्रा होता है उसे हृदय आउटपुट यानी कार्डियक आउटपुट बोला जाता है, और इसको निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। क्वेश्चन नंबर 107 है, मानव शरीर में लंबी अस्थियां का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों यह हमारे शरीर में लीवर के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, यहाँ पे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न में से कौन से उद्देश्य नहीं बताए हैं? तो दोस्तों इनमें 3 उद्देश्य बताए हैं, कार्य के लिए परामर्श, व्यक्तियों को अतिरिक्त अभिप्रेरित करना और व्यक्तियों को सूचित करना, और इन्होंने वांछनीय स्वास्थ्य की अभिवृत्ति के विषय में नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 110 है कि 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो 100, 110, 400 मीटर पुरुष और 400 मीटर महिला, चारों में बाधाओं की संख्या 10 होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस प्रकार की शिक्षा के लिए कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो मार्च पोस्ट में कमांड प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्न में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता? तो यहाँ पे टाइफाइड, कॉलरा, डिसेंट्री ये तीनों मक्खियों से फैलता है, बट येलो फीवर नहीं फैलता है। यह आरएनए वायरस से फैलता है। एंड क्वेश्चन नंबर 112 है, रासायनिक रूप से लिपिड्स को किस रूप में जाना जाता है? तो रासायनिक रूप से लिपिड को वसा के रूप में, फैट के रूप में जाना जाता है, और फैट को ऊर्जा स्टोरिंग कंपाउंड भी कहा जाता है। यह एडिपोज टिश्यू के नीचे शरीर में जमा रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, आप सबको पता है विटामिन ए, और ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, एग्जोथर्मिया आदि रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कौन सा है, तो राष्ट्रीय संस्थान की बात करें तो ग्वालियर मध्य प्रदेश लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1957 में हुआ था। अब पहली संस्थान की बात करेगा तो YMCA हो जाएगा, राष्ट्रीय संस्थान की बात करेगा तो ग्वालियर मध्य प्रदेश लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है, तो दोस्तों अच्छे ये सभी प्रदूषण रहित पर्यावरण, पौष्टिक आहार, अच्छी जीवन दिनचर्या, तनाव रहित जीवन सभी माने जाते हैं, लेकिन मुख्य कार्य की बात कर रहा है तो पौष्टिक आहार आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रिकेट बल्ले की लंबाई कितनी होती है, तो 38 इंच आपका क्रिकेट बल्ले का लंबाई होता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, स्किन फोल्ड कैलिपर से क्या मापा जाता है, तो शरीर की वसा यानी फैट को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने का क्या मतलब है, तो वो संकेत देता है चेतावनी का। क्वेश्चन नंबर 119 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय खिलाड़ी है जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, वह है प्रकाश पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 120 है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। सबसे पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, लास्ट में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा गया। व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन, ठीक है। तो वर्तमान में पूछेगा को कि मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, तो व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, किडनी में से कौन से घटक संतुलित व स्वास्थ्य जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, तो व्यायाम भी है, पानी पीना है, फल व सब्जियों का सेवन है, बट सिर्फ 5 यूनिट शराब रोज पीना ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 है, शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क हेतु आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है शारीरिक शिक्षा में जनसंपर्क हेतु, तो शारीरिक योग्यता, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य उपयुक्त सभी चीजें आवश्यक हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 123 है, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह कथन किसका है, तो यह कोनर का है, जिन्होंने इनसाइड थ्योरी दिया है, इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 124 है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तों में शामिल है, तो क्या शामिल है, उपयुक्त आहार है, व्यक्तिगत और घरेलू साफ सफाई, स्वच्छता है, व्यायाम और आराम है, ये सभी चीजें आपका अच्छे स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, लीड अप गेम सहायक है, तो जो लीड अप गेम है यह सहायक है मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। तो दोस्तों आज के सेशन में 125 क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।